हाँ, मैं बहुत खुशी हूँ क्योंकि इनका तबीयत बहुत खराब हो गई। ये जिस इतनी खराब है, इतनी कंडीशंस में, ऐसा जेल में वो जी नहीं सकते हैं। इतना बैड कंडीशन हो गई, 13 महीने के अंदर इतना तबीयत कितनी खराब हो गई। स्पाइनल कॉर्ड बेंड हो गई, रिब क्राउडिंग हो गई ऊपर और नीचे का, ये स्पाइन, मतलब क्या बोलते हैं इसके, यहाँ वो डिसलोकेट हो गए, और गॉल ब्लैडर में स्टोन्स फॉर्म हो गए, किडनीज में स्टोन्स फॉर्म हो गए, मेनली लेफ्ट हैंड पूरा पैरलाइज हो गई, ये मजिल्स डिजेनरेशन प्रॉब्लम आके मजिल्स मूवमेंट खत्म हो गई, पूरा लेफ्ट हैंड पैरलाइज हो गए। पहले तो अपने आप खुद व्हीलचेयर चलाते हैं, अब व्हीलचेयर नहीं चला पा रहे हैं, और ये मेनली कार्डियक प्रॉब्लम है इनका। एंजियोग्राफी करने के लिए डॉक्टर सजेशन है, फिर यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज नहीं है, फिर इतनी हेल्थ खराब हो रही, तो कम से कम प्राइवेट हॉस्पिटल में करने के लिए, आपको पता है ना, कोर्ट ऑर्डर की वजह से ही हम यहाँ सिम्स में ट्रीटमेंट करवा रहे वकीलों से हैं। आपकी बात हुई क्या? आपके जो वकील थे जिन्होंने केस आर्ग्यू किया था कोर्ट में, उनसे आपकी बात हुई? क्या कहा है उन्होंने? किस तरीके का डिसीजन आया कोर्ट का? ना, वकील तो इतना ही कहा था, टेम्पररी बेल 3 मंथ्स के लिए मिला है ऑन द मेडिकल ग्राउंड्स, इतना ही बताया था। ऑर्डर आने तक हमको भी क्या है इसमें पता नहीं है। साई बाबा का और मेरा भी यही उम्मीद है, आगे का भी कोर्ट इनको रिलीफ दे देगा। ये अभी 3 महीने की नहीं, तबीयत ठीक होने तक एंजियोग्राफी और बहुत सारे इनका सर्जरीज भी होना है, गॉल ब्लैडर का स्टोन्स के लिए भी सर्जरी होना है, ये सारे हैं। ये उम्मीद है आफ्टर 3 मंथ्स आल्सो कोर्ट हमको रिलीफ दे देगा।